ओरिजिन, यानी किसी की ओरिजिन उत्पत्ति हुई है, तो उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, जहां से हुई है वहीं उसका रूट है। रूट माने जड़, तो रूट वर्ड मतलब क्या, जहां से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है हम उसी को पकड़ लें। तो जो शब्द बनेगा वो एक रूट से बनेगा और शब्द अनेक हो जाएगा, यानी रूट एक होगी शब्द अनेक। तो अब हम एक ही शब्द न पढ़ करके हम रूट पढ़ लें, और रूट पढ़ लेंगे तो हमारे पास कई शब्दों की श्रृंखला बन जाएगी, सीरीज हो जाएगी। तो अब रूट क्या है, तो रूट के लिए जैसे सबसे पहला हमारे पास रूट का चार्ट है, और रूट में सबसे पहला वर्ड दिया है थेई। क्या दिया है, टी एच ई आई। ये थेई क्या है, ये देखो, अब ये वर्ड जो है ये डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, और ये लिया कहां से गया है, सॉरी इसका मतलब अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन। क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। अब ये जहां भी जिस शब्द में आ गया हो, टी एच ई आई, क्या टी एच ई आई, कभी कभी ये टी एच ई भी रहेगा, यानी टी एच ई द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, इसी से हुई है, इसीलिए टी एच ई क्या है, पर्टिकुलर चीजों के पहले लगता है, ठीक है। अब ये देखिए, थेई यानी गॉड और रिलीजन, जहां भी जिस शब्द में ये जुड़ा होगा उस शब्द की का मतलब होगा या तो वो गॉड से संबंधित होगा या तो वो रिलीजन से संबंधित होगा। आप इसको याद रख लीजिए, इससे संबंधित जितने शब्द आएंगे सबका अर्थ आप निकाल लेंगे। जैसे इससे पहला शब्द आप अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे, थेइस्ट, टी एच ई आई एस टी, और एक शब्द आया है एथेइस्ट। पहले इन्हीं दो शब्दों को देख लो, ये दो शब्द अलग अलग हैं, और इनमें आया है क्या, जिसको हमने कहा ये पहले आया है, थेई का मतलब गॉड, यानी ये दोनों शब्द किससे संबंधित हैं, गॉड से। हम वर्ड समझना सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना सब लोग, कि वर्ड में हमने अब पढ़ा किसको, टी एच ई आई, हम समझ गए कि टी एच ई आई जहां भी आएगा उसका मतलब या तो गॉड या रिलीजन से संबंधित वो शब्द होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे सामने रख दिया गया थेइस्ट और एथेइस्ट, तो अब हम इसमें से यदि हम टी एच ई आई निकाल लें कि ये गॉड से संबंधित है या धर्म से संबंधित है, तो हमको टी एच ई आई तो मिला, लेकिन यहां देखो आई एस टी भी है इसमें, यानी एक और उसमें सफिक्स जुड़ा हुआ है। और इसमें देखो, इसमें तो एक तो प्रीफिक्स भी है और एक, इसका मतलब ये रूट तो हमको पता है कि इसके माने गॉड और रिलीजन होता है, लेकिन इसके ये इधर जो लगा इसका भी अर्थ हमको आना चाहिए। तो अब यहां पर एक चीज आप जानिए कि जब किसी भी वर्ड में आई एस टी जुड़ गया हो तो उसका मतलब होता है एक्सपर्ट या फॉलोअर, एक्सपर्ट या फॉलोअर, किसी चीज का कोई अनुयायी हो गया हो या उसका विशेषज्ञ हो गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, आई एस टी उस शब्द के साथ जुड़ गया। इसका मतलब अपने आप क्लियर हो गया, इस वाले शब्द का तो अर्थ क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया कि थेइस्ट का मतलब होता है गॉड का फॉलोअर जो होगा, यानी ईश्वर को जो मानता होगा या धर्म को जो मानता होगा वो क्या कहलाएगा, थेइस्ट। क्या कहलाएगा, थेइस्ट। और ए लग जाने से ये हो जाता है नेगेटिव, ए का मतलब नो या नॉट, ए का मतलब नो या नॉट, यानी किसी शब्द के पहले यदि ए लगा है तो वो नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, नेगेटिव सेंटेंस देता है। तो इसका मतलब अब ये बात क्लियर हुई ना, क्या कि ए लग गया यानी जो ईश्वर को मानता नहीं है, जो ईश्वर का फॉलोअर नहीं है, धर्म का फॉलोअर नहीं है। तो इसी को अब अपने शब्दों में, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनेगा तो वो वन वर्ड में वो पूरा सेंटेंस बनाकर क्या देगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो अब आप समझ लीजिए कि वन हु बिलीव्स इन गॉड मतलब क्या, वो थेइस्ट हो गया, और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड वो एथेइस्ट हो गया। हमारा सेंटेंस, हमारा वन वर्ड बना कि नहीं बना, क्लियर होगा ना। यानी इस थेई शब्द से हमारी ये दो, अब और भी शब्द कौन बन सकते हैं, जैसे इसमें दिया है मोनोथेइस्ट, क्या
मोनोथेइस्ट और एक होता है पॉलीथेइस्ट, क्या पॉलीथेइस्ट या इसमें दिया है पेनथेइस्ट, आप देखिए। अब इसमें अलग अलग वर्ड, यहां देखो थेइस्ट तो आप क्लियर हो गए हैं, अब थेई नहीं, अब आप थेइस्ट से भी क्लियर हो गए कि थेई का मतलब हो गया कि गॉड या रिलीजन, थेइस्ट यानी जो गॉड और रिलीजन को मानता है, और मोनो का मतलब क्या होता है, अब ये हमको समझना पड़ेगा। इसी में देखो कई रूट मिल रहे हैं, ये सब रूट ही है, थेई आई एस टी ए मोनो पॉली, ये सब अलग अलग जो है हमको रूट मिल रहे हैं। वर्ड क्या है, थेई से संबंधित है यानी गॉड से ही संबंधित है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, मोनो का मतलब सिंगल या वन, यानी अब इसको समझ लिया हमने तो हमारा क्लियर हो गया। यानी वन का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं मोनोथेइस्ट। मोनो जहां लगा है, अब देखो मोनो, अब आपको पकड़ना किसको है, मोनो यानी ऐसा नहीं है केवल मोनो यही लगेगा, जहां जहां मोनो लगा है उसका अर्थ होता है वनली, वन के अर्थ में आएगा वो मोनो, जहां भी लगा हो, चाहे वो किसी अंग्रेजी का यदि वो शब्द है उसमें मोनो लगा है तो आप समझ जाइए कि किसी एक की बात हो रही है। ये आप हर जगह ढूंढिएगा, जहां ऐसे वर्ड्स आए वो आप मुझसे भी शेयर करिएगा ना, वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब में है, बस उसको समझने की जरूरत है ना। तो मोनो का मतलब क्या होगा, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल या वन के अर्थ में आएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप लिखना चाहें तो लिखते चल सकते हैं, मैं समझा रहा हूं, मोनो इक्वल टू सिंगल या वन। अब मोनोथेइस्ट का मतलब पूरा पूरा निकालना हो तब हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि वन हु बिलीव्स ओनली वन गॉड या ओनली वन रिलीजन, तब क्या कहेंगे, वो मोनोथेइस्ट कहलाएगा। और पॉलीथेइस्ट होगा तब इसका मतलब, हाँ पॉली का मतलब होता है मेनी या सेवरल, पॉली का मतलब मेनी या सेवरल, यानी अब पॉली का मतलब आप निकालेंगे तो मेनी हो गया, यानी वह व्यक्ति जो बहुत से ईश्वर में विश्वास करता है उसको पॉलीथेइस्ट कहते हैं। पॉली हमको रूट, हाँ वही सेवरल, सेवरल माने कई, सेवरल हमने इंग्लिश में, भाई अब हिंदी में तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो, पॉली माने कई नहीं होता, और पॉली का मतलब अंग्रेजी में कन्वर्ट किया कि सेवरल या मेनी, और मोनो का मतलब वन या ओनली, तो जब एक की बात होगी तो मोनो और एक से अधिक की बात हो रही है तो पॉली का प्रयोग किया जाएगा। पॉली लगा है तो समझ जाओ कि एक से अधिक की बात हो रही है, तो पॉलीथेइस्ट का मतलब क्लियर हो गया ना, कि जो एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहेंगे, पॉलीथेइस्ट। अब देखो पेनथेइस्ट, पेन का मतलब क्या है, पेन का मतलब होता है ऑल ओवर, पेन माने ऑल, जो सभी ईश्वर में विश्वास करता है, सभी धर्मों में विश्वास करता है, नहीं समझे भाई, एक हो गया कि एक धर्म में विश्वास करता है मोनो, मोनोथेइस्ट, और दूसरा हो गया पॉलीथेइस्ट यानी एक से अधिक धर्मों में विश्वास करता है, और पेनथेइस्ट माने सब में विश्वास करता है, जितने हैं उन सब में यदि विश्वास करता है तो उसको पेनथेइस्ट कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये ध्यान देना है ना, पेनथेइस्ट मतलब जो सभी में विश्वास करता है उसको पेनथेइस्ट कहेंगे। अब क्लियर हो गई बात, अब यहां देखिए कितने कितने रूट वर्ड आए इसमें, थेई आया, आई एस टी आया, ए आया, मोनो आया, पॉली आया और पेन आया, यानी 6-7 ये ऐसे रूट है, ये सब क्या है, यही रूट वर्ड है, इन रूट वर्ड का अलग से अंग्रेजी में कन्वर्जन कर दिया, और ये रूट वर्ड यदि हमको याद कर लिए जाए तो ये एक ही जगह नहीं है, अभी बहुत जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, शब्दों के साथ जुड़े हैं।